आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल गोल्डन फ्राइड प्रॉन्स। इसके लिए सबसे पहले हमें प्रॉन्स यानी कि झींगे चाहिए। मैं यहाँ पे साबुत झींगे ले रही हूँ, तकरीबन 1 किलो। इसको हम सबसे पहले साफ करेंगे। इसका हम हेड यानी कि इसका जो सर होता है वो हम हटा देंगे आहिस्ता से, और जो इसका शेल होगा वो हम इस तरह करके रिमूव कर देंगे। अगर आप टेल रखना चाहती हैं तो आप टेल रख सकती हैं, क्योंकि ये बाद में डिपिंग के काम आएगा। जब हम इसको बैटर में डिप करेंगे तो टेल से पकड़कर हम इजीली इसको बैटर में डिप कर सकेंगे। इस तरह करके हम इसके सारे शेल्स रिमूव कर देंगे और जो टेल है वो हम रहने देंगे। बहुत ही ईजी है। इस तरह से सबसे पहले हम सारे हेड्स इसके रिमूव कर देंगे और सारे शेल्स भी हटा देंगे, और इसके बाद हम इसके जो बीच में वेन होगा वो हम हटाएंगे। इस तरह इसका जो बैक साइड है कट लगाएंगे, और जो इसका ये वेन है ये आप देख रहे हैं, इस तरह ये छोटी वाली नस ये हम हटा देंगे इसमें से। और जो इसका पेट वाला हिस्सा होगा तो उसमें हम इस तरह करके 2 से 3 कट्स लगाएंगे। इससे ये होगा कि जब हम प्रॉन्स को फ्राई करेंगे तो ये कर्ली होंगे। अब हम अच्छी तरह से धोकर साफ करके प्रॉन्स को एक बॉल में डालेंगे, और इसके ऊपर हसबे जायका नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा सिरका, सफ़ेद सिरका हम इसके ऊपर डालेंगे और मिक्स करके साइड पर रख देंगे। अब हम इसके लिए बैटर बनाएंगे। बैटर के लिए हमें ऑल पर्पज़ फ्लोर यानी कि मैदा चाहिए, 1.5 कप यानी कि 1.5 कप। इसके अलावा हमें कॉर्नफ्लोर चाहिए 3/4 प्याली यानी कि 1 प्याली से थोड़ा सा कम कॉर्नफ्लोर हम लेंगे। इसमें हम बेकिंग पाउडर डालेंगे 2 टीस्पून लेवल करके। नमक आप हसबे जायका शामिल कर सकती हैं, क्योंकि हमने झींगों में ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। अब हम इसमें हॉट सॉस यानी कि जो चिली सॉस होती है वो हम इसमें ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून यानी कि 1 खाने का चम्मच। काली मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे 2 चाय के चम्मच, और इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल यानी कि तेल 1 टेबल स्पून। इसके अलावा स्पाइसेस आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से ऐड कर सकती हैं, लेकिन ज़्यादा इसमें कुछ नहीं डलता, मैं यही स्पाइसेस यूज़ करूँगी। अब हम इसमें रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ एक अंडा शामिल करेंगे। याद रखें कि अंडा रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी आप अपने अंदाजे से शामिल कर सकती हैं, लेकिन याद रखें कि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, यानी कि फ्रीज़र का या फिर बर्फ़ वाला पानी होना चाहिए। ऐसा ऐसा करके हम इसमें बर्फ़ वाला पानी ऐड करेंगे, और हैंड बीटर से या फिर हैंड विस्कर से हम इसे अच्छे से बीट करेंगे, तकरीबन 5 से 6 मिनट। इसे हम अच्छे से बीट करेंगे ताकि ये पकौड़ों की तरह इसका बैटर तैयार हो जाए, ना बहुत ज़्यादा थिक ना बहुत ज़्यादा थिन। अब हम प्रॉन्स को इसमें डिप करेंगे। ऑयल को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल को बहुत ज़्यादा हमने गर्म नहीं करना, मीडियम हॉट ऑयल में हम प्रॉन्स को फ्राई करेंगे। अगर आपको सिंपली नॉर्मल प्रॉन्स चाहिए जो कि थोड़े से क्रिस्पी होते हैं, तो आप इसे एक बार में इस तरह करके फ्राई करके 3 से 4 मिनट फ्राई करके आप इसे निकाल सकती हैं। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा क्रिस्पी चाहिए तो आप एक टिप फॉलो करें, वो ये है कि आप पहले इसमें गर्म ऑयल में प्रॉन्स को शामिल करें, 2 से 3 मिनट इस अच्छे से इसको फ्राई करें, और इसके बाद इसे निकाल कर ठंडा होने दें। तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए इसे ठंडा होने दें, और इसके बाद इसे फिर से गर्म ऑयल में फ्राई करें, यानी कि डबल फ्राई आपने इसको करना है। तो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही गोल्डन क्रिस्पी रेस्टोरेंट स्टाइल हमारे प्रॉन्स तैयार होंगे। मैं यहाँ पे इसको एक ही बार में फ्राई कर रही हूँ, लेकिन डबल फ्राई जो मैंने आपको तरीका बताया वो बेस्ट है, उससे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। तो ये हमारे क्रिस्पी फ्राइड प्रॉन्स तैयार हैं। उम्मीद है आपको मेरी सिंपल सी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे ज़रूर बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए, और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी रेसिपी को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।